नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही खास होने वाला है। खास टॉपिक इसलिए क्योंकि गायकी एक ऐसा जोन है, एक ऐसा क्षेत्र है हमारे संगीत में जो सबसे प्रबलता के ऊपर रहता है, सबसे ऊपर रहता है। वादन गायन दो ही चीज़ रहती है संगीत के अंदर, जो गायन वादन का संगीत है, नृत्य की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। तो वो जो चीज़ है कि गायकी को कैसे प्रभावशाली बनाया जाए, बहुत सारे प्रश्न मन में रहते हैं। सर, जो कुछ लोग तो बहुत अच्छा गाते हैं, ना वो रियाज़ करते हैं, ना कुछ करते हैं, ना वो हारमोनियम पे लेके अपने गले को रियाज़ करते हैं, तब भी इतना अच्छा अच्छा गाते हैं। गाँव में रहते हैं और सिर्फ गाने गाते रहते हैं और उनकी आवाज़ इतनी अच्छी हो जाती है, इतना ऊँचा गा लेते हैं। तो सारे प्रश्नों के जवाब मिलने वाले हैं, बने रहिएगा वीडियो में। और अपनी आवाज़ की रेंज को कैसे बढ़ा सकते हैं, आवाज़ कैसे फटना बंद हो जाएगी ऊँचा गाते वक्त, सारी टेक्निक्स बताने वाला हूँ आपको। विदाउट वेस्ट योर टाइम, आज मैं सबसे पहले ये बता देता हूँ कि यदि आप गाना गाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना जो जोन है गाने का, कि आप किस जोन के गाने गाते हैं, आप सैड रोमांटिक गाते हैं, आप देशभक्ति गाते हैं, आप बी प्राक की जोन के गाने गाते हैं, या आप जुबिन नौटियाल के जोन के गाने गाते हैं, या अरिजीत सिंह के जोन के गाने गाते हैं, ये निर्धारित करना हो। यदि आपकी वॉइस जो टेक्सचर है, वॉइस का जो सॉफ्ट है, जो मेलोडी है, अगर वह नुसरत फ़तेह अली खान साहब जी के गानों के लिए बनी है तो आप वो गाने गाएंगे। यदि आपकी वॉइस की जो आपकी वॉइस का टेक्सचर है जुबिन नौटियाल के गानों के लिए है तो आप उस टाइप के गाने गाएंगे। अब कुछ लोगों के मन में प्रश्न हो रहा होगा कि सर, अगर हमने एक जोन में गाना गाया तो हमारे गले की वर्सटैलिटी तो गायब हो जाएगी। वर्सटैलिटी के लिए क्या करना होगा? वर्सटैलिटी के लिए मैं आपको एक अलग चीज़ बताता हूँ। रियाज़ एक ऐसी चीज़ है जो आपकी गायकी में वर्सटैलिटी लेके आएगा। आप गा हर तरीके का गाना पाएंगे, हर एक चीज़ गा पाएंगे, लेकिन आप एक जोन के अंदर महारथी होंगे, आप अपने क्षेत्र में महारथी होंगे। अगर आप 10 जोन में गाने का ट्राई करेंगे, या तो फिर आपका रियाज़ इतना प्रभावशाली होना चाहिए, इतने अच्छा रियाज़ होना चाहिए, आपने इंडियन क्लासिकल पर इतना समय दिया होना चाहिए तो आपका गला इतना बेहतर बन पाएगा, या फिर आपको एक जोन पकड़ना है, उस जोन में लगातार मेहनत करनी है। देखो, कैटेगरीज बहुत हैं, अगर एक कैटेगरी चुन के उसके ऊपर मेहनत करोगे तो बहुत जल्दी रिजल्ट और बहुत अच्छा रिजल्ट मिल पाएगा और वो आपकी पहचान भी बनेगा। और आपके अपने जोन में गाना गाएंगे तो आप खुशी से उसको परफॉर्म भी कर पाएंगे। अगर कुछ लोग कहेंगे कि वर्सटैलिटी सर नहीं आ रही, हर तरीके का गाना कैसे गाएंगे अगर एक तरीके एक जोन में गाते रहेंगे, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ आप रियाज़ कीजिए। रियाज़ ऐसा नहीं है कि आपको मतलब रियाज़ नहीं करेंगे तो बहुत सारी तकलीफें आने वाली हैं। आपको सिर्फ रियाज़ वो रियाज़ करना है जो आपको बेसिक ज़रूरत है। अगर आप प्रॉपर इंडियन क्लासिकल सीख रहे हैं तो नो डाउट आप इंडियन क्लासिकल सीखिए, आपसे बढ़िया गायकी होगी ही नहीं किसी की। लेकिन यदि आप बिना गुरु के, बिना किसी की सहायता के कर रहे हैं, तो मेरा जो आपका वो है मानना है, तो वो आप सिर्फ कोई नॉर्मल बेसिक रियाज़ कीजिए, क्योंकि रियाज़ से आपके गले का जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगा। आपकी गायकी को मधुरता लाने के लिए, जो आपके जोन की मधुरता है वो लाने के लिए, आपका जो गायन के लिए गला होगा वो तैयार होगा। अब रियाज़ क्या करना होगा? कुछ लोगों का प्रश्न रहता है कि सर, ऊंचा गाते वक्त मेरी आवाज़ फट जाती है। तो ऊंचा गाते वक्त आवाज़ फट जाती है क्योंकि आप अपनी रेंज से ऊपर गा रहे होते हो। अब प्रश्न ये है कि रेंज कैसे बढ़ाएं? तो देखिए, मैं एक चीज़ बताता हूँ, जितना मैंने गुरुओं से सीखा है और उनसे उनकी शरण में आने के बाद मैंने ज्ञान प्राप्त किया है, मैंने ये जाना है कि जितना ज़्यादा आप नीचे के ऑक्टेव में रियाज़ करेंगे, यानी कि मध्य से मंद्र में जाते हुए प्रयास करेंगे, उतना ज़्यादा आपका गला ऊँचा जाने के लिए तैयार होगा। ये एक बहुत बेसिक टेक्निक है, बहुत बेसिक बात है, लेकिन जितनी बेसिक बात ये लगती है उतनी है नहीं। आप रियाज़ करते वक्त आप 15 मिनट रियाज़ करते हो, सोचते हो बहुत रियाज़ हो गया। जो लोग आपके सामने गा रहे हैं, जिनको देख के आप गाने का विचार मन में बनाते हैं, वो ये नहीं देखते हो आप लोग कि वो 14 साल से एक ही प्रैक्टिस को लगातार करते आ रहे हैं, रोज़ प्रैक्टिस करते हैं, तो आप उनके मेहनत को नहीं देखते हो। आप सिर्फ उनका जो फाइनल रिजल्ट है, जो प्रोडक्ट है, उसको देख के कॉपी करने की कोशिश करते हो। मैं चाहता हूँ कि आप अपना एक नया जोन बनाओ, एक नई चीज़ें बनाओ, इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें बोलता हूँ। कुछ लोगों को आपने नोटिस करा होगा कि वो गाँव में रहते हैं, उनके पास कोई गुरु नहीं है, कोई रियाज़ नहीं करते हैं वो, लेकिन तब भी इतना अच्छा गाना गाते हैं। कैसे गाना गा लेते हैं वो इतना अच्छा? क्योंकि वो एक पर्टिकुलर जोन में गाना गाते हैं और उस जोन में, जैसे ऊंचे गाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं वो लोग, तो वो ऊंचे गाने ही ज़्यादातर परफॉर्म करेंगे। नॉर्मल स्केल का गाना होगा, मतलब नॉर्मल रेंज का गाना होगा, तब भी वो ऊंचा ही गाएंगे उसको, समझ पा रहे हैं? इसीलिए यदि आपका नीचा रेंज है तो आप ऊंचे गानों को नीचे स्केल में कन्वर्ट करके गाइए, समझ पा रहे हैं? और
और यही कुछ ऐसी बातें हैं जो आपकी सिंगिंग को प्रभावशाली बना सकती हैं, महत्वपूर्ण बना सकती हैं। रियाज़ क्या करना होगा, जैसे कि मैंने बताया बहुत बड़ा कोई रियाज़ नहीं करने की आवश्यकता है, ओम का रियाज़ कीजिए। ओम के रियाज़ करने से अभ्यास होगा। अगर रियाज़ करने की टेक्निक नहीं पता है तो वो भी मैं बताऊंगा आपको वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको पूरा हेल्प मिलेगा। गायकी से रिलेटेड हो गया, वादन से रिलेटेड हो गया, और कोई मन में प्रश्न उठ रहा हो तो आप मुझसे बता सकते हैं। और यदि मुझसे कोई गलती हुई हो तो आप मुझे बताइएगा और मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा आपसे, यदि मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो। यहाँ पर गायकी को आपको अपनी गायकी को डिफाइन करना है। मैं चाहता हूँ कि जो आप गाएं वो आपका प्रोडक्ट हो, ना कि किसी का कॉपी किया हुआ। क्योंकि आज का जो टाइम चल रहा है बहुत कंपटीशन है। जब तक आप अपना नया कुछ प्रोडक्ट लेके मार्केट में नहीं उतरोगे तब तक ही आप नहीं चल पाओगे, कवर सिंगर बन के रह जाओगे। और कवर सिंगर आपको बनना है या कवर्स बनाने हैं तो आप बिल्कुल भी मेरी वीडियोज़ को मत देखिए, क्योंकि वहाँ पर जो आप कर रहे हैं वो क्या है, सिर्फ कॉपी और पेस्ट है। कॉपी पेस्ट नहीं लाना है, आपको अपनी गायकी में अपनी तरफ से इनपुट डालना है। मैं ये नहीं कहता कि देख के सीखो मत, लेकिन देख के हूबहू कॉपी करने का अभ्यास और देख के सीखने में बहुत फ़र्क होता है। उस चीज़ को आप अपने आप अंदर सोचिए कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। आपके लिए मैं बैठा हूँ, पूरा आपको बताऊँगा कि किस तरीके से ऐप भी प्रोवाइड करवाने वाला हूँ मैं कुछ दिनों में, तो आप अभ्यास कीजिए। समझ पा रहे हैं, गायकी को आप सिंगर यदि थोड़ा बहुत गाते हैं तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, और यदि आप गाना चाहते हैं फ्यूचर में तो मैं आपसे कहता हूँ कि आप एक जोन के गाने को पकड़िए, जो आपका जोन है उसके गानों की प्रैक्टिस कीजिए। ऊंचा, यदि आपकी आवाज़ ऊंचा गाते वक्त फटती है तो आप रियाज़ कीजिए ताकि आपकी आवाज़ फटे नहीं। रोज़ बहुत ज़्यादा रियाज़ नहीं करना है, 1 से 2 घंटा रियाज़ कीजिए, बहुत होगा, सफिशिएंट होगा। और एक पर्टिकुलर चीज़ पर आप लगातार सालों मेहनत करेंगे तो रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा आपको। और मैं इस चीज़ को बता सकता हूँ, यदि आप 1 महीना रियाज़ करेंगे तो आपकी गायकी में, आपके जोन की गायकी में बिल्कुल फ़र्क नज़र आएगा, 101% फ़र्क नज़र आएगा, यदि आपने सही से रियाज़ किया है तो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और दबाइएगा बेल आइकन, जिससे कि मेरी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। और जो हमारा बेल आइकन है वो भी प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो यदि पसंद आया हो, कंटेंट पसंद आया हो, तो लाइक करके मेरा प्रोत्साहन बढ़ाइएगा। और आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी को मेरा प्रेम पूर्वक नमस्कार।